की लग रही है। अच्छा इसमें लिखे अमाउंट इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। ये कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा एक होता है नेट अमाउंट, एक होता है ग्रॉस अमाउंट। नेट अमाउंट होता है बिफोर टैक्स और ग्रॉस अमाउंट होता है आफ्टर टैक्स, टैक्स इंक्लूड करने के बाद। टैक्स ऐड करने से पहले जो अमाउंट होगा वो नेट अमाउंट कहलाएगा और टैक्स ऐड होने के बाद जो टोटल आएगा वो ग्रॉस अमाउंट कहलाएगा। टैक्स ऐड होने से पहले वाले अमाउंट को कहेंगे नेट अमाउंट, टैक्स ऐड होने के बाद जो टोटल आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस। राइट। और फॉर एग्जांपल आपने गुड सेल कर रहे हैं 200 की, में आपने टैक्स ऐड किया 30 का, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? ये 200 को क्या कहेंगे आप? नेट अमाउंट। और 230 को ग्रॉस अमाउंट कहेंगे। ठीक, ये 200 होगा, ये टैक्स और ये ग्रॉस कहलाएगा। नेट होता है, टैक्स हो गया, और तो नेट अमाउंट के लिए टर्म ये भी यूज होती है एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स नेट के लिए, और ग्रॉस अमाउंट के लिए टर्म यूज करते हैं इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। ये आगे लिखेंगे भी अभी। ये आपका फॉर्मूला तो यहाँ देखिए, नेट अमाउंट 800 एक अमाउंट है, सेल की हम बात करते हैं, हमने गुड सेल की 800 की, टैक्स चार्ज किया कितना 15%, बन गया 120, टोटल कितना हो गया 920। 800 क्या क्या लगा? नेट अमाउंट 20 आपका, 120 टैक्स हो गया और 920 ग्रॉस क्या लगा। अच्छा नेट अमाउंट एक चीज और यहाँ पर आप भी बताएंगे, सेल्स टैक्स यहाँ कितना परसेंट है? 15% सेल्स टैक्स होगा। अगर ये नेट अमाउंट और ग्रॉस अमाउंट को भी अगर परसेंटेज में हम शो करें तो नेट अमाउंट कितना परसेंट होगा, ग्रॉस कितना परसेंट होगा? नेट अमाउंट और ग्रॉस अमाउंट को भी अगर परसेंटेज में शो करें तो क्या परसेंटेजेस होंगे? टैक्स 15% है, नेट और ग्रॉस, और ग्रॉस बाकी बताएं बता। हाँ एक आंसर आया, नेट अमाउंट और ग्रॉस अमाउंट की परसेंटेज। अच्छा ये सेल्स टैक्स है, ये 15% किसका है? नेट अमाउंट का, नेट अमाउंट का 15% है, तो नेट अमाउंट खुद कितने परसेंट होगा? 85%। 85 या 100? 100% होगा। देखिए आप लोगों को मार्कशीट मिलती है, आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन क्या होती है, मार्क्स 15 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100। सपोज आंसर आया 80%, 80% किसका? 80% ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, और अगर आपके टोटल आउट ऑफ टोटल आ जाए तो 100% बन जाती है ना, तो इट मीन्स जो टोटल मार्क्स होते हैं वो खुद 100% होते हैं, उसमें से फिर आप ओपन करते हैं 70, 80, 90%। अब यहाँ जो सेल्स टैक्स है वो 15% किसका है? नेट अमाउंट। तो नेट अमाउंट खुद कितने परसेंट होगा? 100%। तो नेट अमाउंट 100%, इसमें हमने टैक्स ऐड किया 15%, तो ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा 115%। तो नेट अमाउंट हमेशा 100% होगा, टैक्स ऐड करेंगे तो ग्रॉस की परसेंटेज आ जाएगी। अच्छा नेट तो हमेशा 100 ही रहेगा, बाकी टैक्स की परसेंटेज चेंज हो सकती है। अगर टैक्स 20% हो तो ग्रॉस कितना होगा? 120। टैक्स अगर 10% हो तो 110 हो जाएगा। नेट हमेशा 100 रहेगा, पर टैक्स ऐड करेंगे तो ग्रॉस की परसेंटेज आ जाएगी। अच्छा अब नेट अमाउंट के लिए एक और टर्म यूज होती है, वो अभी हमने बात की थी ना, एक्सक्लूडिंग टैक्स, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, और ग्रॉस के लिए एक और टर्म यूज होगी इंक्लूडिंग या इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो क्वेश्चन में अगर एक्सक्लूडिंग का वर्ड यूज होगा तो मीन्स नेट अमाउंट दिया हुआ है, इंक्लूडिंग की टर्म यूज होगी तो ग्रॉस अमाउंट होगी। क्वेश्चन में इस तरह आ सकता है कि सेल्स 50,000 इंक्लूडिंग टैक्स, वो क्या होगा? ग्रॉस। लिखा हुआ परचेजेस 40,000 एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो वो नेट हो। अच्छा यहाँ पर इससे रिलेटेड एक कैलकुलेशन है,
वो समझ लें, इसके बाद ये आगे हम यूज भी करेंगे और ये बल्कि काफी आगे तक आपके काम आए। यहाँ पर अभी कैलकुलेशन है परसेंटेज से रिलेटेड, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मजीद क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन है वो समझ लें, ये आगे तक यूज होगी, आपके काम आएगी। ओके अभी आपको नेट अमाउंट दिया हुआ है। अच्छा, अब अगर सपोज कर लें आपको अगर नेट अमाउंट गिवन हो 800 और सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है, तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? परसेंटेज वही है 15 ना। नेट अमाउंट आपको गिवन है यहाँ पर 800 और सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है। हाँ, आप लोग क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 800। अच्छा, टैक्स कितना परसेंट है? 15, तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और डिवाइड 100 कर देंगे तो आंसर आएगा 120 आ जाएगा। ये तो क्लियर है। अच्छा, अगर आपको 920 ग्रॉस अमाउंट गिवन हो इंक्लूसिव, और अब आपको सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है, अब मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होगा, क्या करेंगे? अगर 920 से सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना हो, यानी कि 120 आंसर लाना है, नहीं माइनस प्लस नहीं करना, सिर्फ आपको 920 पता है और 15% पता है, बस दो चीजें गिवन है, दो वैल्यूज गिवन है आपको, अगर ग्रॉस 920 और सेल्स टैक्स ऊपर, तो खैर सारी डिटेल्स है ना। अभी आप सपोज करें कि आपके पास ये दो चीजें गिवन है आपको सिर्फ, ठीक है, ग्रॉस अमाउंट दिया हुआ है, सेल्स टैक्स की परसेंटेज गिवन अगर हो, तो सेल्स टैक्स कैसे ना कैलकुलेट करेंगे ये बताइए। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नहीं आएगा, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय वो तो 120 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं। देखिए फाइंड क्या करना है। अच्छा, इसमें देखिए क्या था, 15% से आपने मल्टीप्लाई किया, 15 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया था ना, तो यहाँ देखिए सेल्स टैक्स की परसेंटेज कितनी है 15, तो अगर आपको ग्रॉस दिया हुआ था आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो आपने 15 से ही करना है, ठीक है, लेकिन अब डिवाइड 100 से करने के बजाय 115 से डिवाइड करेंगे आप, तो आंसर आएगा 120। अब ये पॉइंट नोट कर लें, अगर आपको नेट अमाउंट गिवन है, नेट अमाउंट गिवन है तो 100 से डिवाइड करेंगे और ग्रॉस अमाउंट गिवन है तो 115 से डिवाइड किया टोटल से, तो ये नोट कर लीजिए, इसको कॉपी कर लें, बाकी मल्टीप्लाई तो 100 से ही होगा। हाँ, ग्रॉस अमाउंट गिवन है तो 100 प्लस सेल्स टैक्स परसेंटेज जो भी आएगा उससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये पॉइंट याद रख लें, नेट अमाउंट से सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे और ग्रॉस से कैलकुलेट करना है तो 115, क्योंकि ये 100 प्लस सेल्स टैक्स परसेंटेज। अच्छा, ये फॉर्मूला लिख चुके हैं, अब इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। अच्छा, ओके, जब सेल्स हैं एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स 15,000, परचेजेस एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स 10,000, सेल्स टैक्स पेबल रिफंडेबल कैलकुलेट करना है और सेल्स टैक्स का रेट कितना है 15%, तब यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा, सेल्स टैक्स पेबल और रिफंडेबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स,
तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे टैक्स पेबल और रिफंडेबल। इसको सॉल्व करते हैं। आउटपुट टैक्स क्या होता है? आउटपुट टैक्स नहीं होता, क्या है ये? तो नेचर हो गई ना, सेल पे होता है, परचेज पे होता है, सेल्स पे लगता है ना। आप सेल्स कितनी है? अरे दर मैं समझा रहा हूँ, सेल्स कितनी है? 15,000। आप सेल्स टैक्स 15% है। ओके, डिवाइड किससे करें? हाँ, क्योंकि एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग मीन्स नेट अमाउंट, नेट अमाउंट 100% होता है, डिवाइड करेंगे 100 से। अच्छा, आप इनपुट टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन परचेज होता है, सेल्स टैक्स ऑन परचेज। परचेज कितनी है? 10,000। मल्टीप्लाई तो 15 से ही करेंगे, और डिवाइड यहाँ भी हम 100 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। एक्सक्लूडिंग मीन्स नेट अमाउंट, नेट 100 से डिवाइड करेंगे। अभी आउटपुट टैक्स कितना आ रहा है? अमाउंट बता दे रहा, 2,000। ठीक है, 2,250। और इनपुट टैक्स 1,500 होगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लें, कितना गया? 750। 750 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हो जाएगा सेल्स टैक्स पेएबल। सॉल्व हो गया, इसको कॉपी कर लें। तो नेक्स्ट, अब ये सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स 20,000, परचेजेस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स 16,000, सेल्स टैक्स पेबल फाइंड करना है, सेल्स टैक्स 15%। ओके, अब इसमें दोनों अमाउंट्स इंक्लूडिंग है। अब कैलकुलेशन क्या होगी? आउटपुट के लिए सेल्स कितनी है? 20,000, मल्टीप्लाई करेंगे 1,500, डिवाइड 115 आ जाएगा। ठीक, इंक्लूडिंग है, ग्रॉस अमाउंट तो डिवाइड करेंगे 115 से। और अब इनपुट के लिए परचेजेस हैं 16,000, मल्टीप्लाई बाय 15, डिवाइडेड बाय 115। आउटपुट टैक्स बताएं 2,608, और इनपुट टैक्स 2,086। दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस 2,78। ठीक है, 2,78 ये हो जाएगा सेल्स टैक्स पेबल। ठीक है, इसको कॉपी कर लें। डिफरेंस सही कर लेते हैं, 522 इसका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 522, 225 बताया था, ट्रांसपोजिशन एरर कहते हैं, याद है? ट्रांसपोजिशन एरर 522 225 हो गया, तो ये एरर हो गया, ये ट्रांसपोजिशन एरर, सीक्वेंस चेंज हो गया। ओके जी, कॉपी कर ले। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट। अभी आप लोग सॉल्व करें। अब इसमें सेल्स है एक्सक्लूडिंग 5,000, और परचेज इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स 15,000। ठीक, एक एक्सक्लूडिंग एक इंक्लूडिंग है, ये आप लोग सॉल्व करें, तो इसको चेक कर। सेल्स है 5,000 टू 15/100, परचेजेस हैं 15,000 इंटू 15/115। ठीक, परचेज आउटपुट टैक्स कितना है? 750 इनपुट टैक्स 1,956, डिफरेंस -1,206, और माइनस का मतलब रिफंडेबल, रिफंडेबल और रिकवरेबल। ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो हो गई कुछ कैलकुलेशंस। ठीक है,
अब एग्जाम गेट कर लेते हैं, कैपलान FA1। अच्छा एग्जाम गेट में ये आपको कहाँ मिलेगा? इधर। अब इसमें एग्जाम गेट में सेल्स टैक्स के नाम से कोई टॉपिक नहीं है। सेल्स टैक्स के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? इन दो चैप्टर्स में, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, परचेज एंड परचेज रिटर्न। इसमें हमें मिलेंगे डे बुक्स और सेल्स टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? ये दो चैप्टर्स हैं। अब 114 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला आ जाएगा इसमें चैप्टर सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। अच्छा एग्जाम गेट में, ठीक है, इसमें से पहले आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, बाकी हम बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 114, इसमें आपसे वो एंट्री पूछ रहा है। एंट्रीज अभी हमने नहीं बनाई तो ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। एंट्रीज और टी अकाउंट्स वाले क्वेश्चन बाद में सॉल्व होंगे। जब 115 में टी अकाउंट बनेगा ये हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब आज हम 116। अच्छा डे बुक्स याद है आपको? सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं पॉइंट, जो हमने डे बुक्स बनाई थी, जैसे कि एक सेल्स डे बुक बना रहे थे, सेल्स डे बुक, इसमें कॉलम्स याद है क्या होते थे आपके? एक था इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट का ना, ये कॉलम्स है, ठीक है? अच्छा देखिए, ये जो हमने सेल्स डे बनाई थी ये एक ऐसे बिजनेस की थी जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड नहीं था, ठीक है? जब तक बिजनेस सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड नहीं होता है वो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, ठीक? तो वो जो हमने डे बुक्स बनाई थी, सेल परचेज रिटर्न डे बुक्स, वो सब एक ऐसे बिजनेस की थी जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड नहीं था, ठीक? अब अगर आपका बिजनेस सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है और आप सेल करते वक्त टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तब आपकी डे बुक कैसे बनेगी? फिर उसमें अमाउंट के तीन कॉलम आएंगे, एक होगा नेट, एक सेल्स टैक्स और तीसरा बनेगा ग्रॉस। ये एक डिफरेंस आ जाता है रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड बिजनेस का। रजिस्टर्ड बिजनेस में फिर अमाउंट के तीन कॉलम बनते हैं, नेट अमाउंट, सेल्स टैक्स और ग्रॉस अमाउंट। सेम केस परचेज डे बुक में होगा, अभी फिर अमाउंट के तीन कॉलम होंगे, नेट अमाउंट, सेल्स टैक्स और ग्रॉस अमाउंट, सही? अच्छा एक क्वेश्चन कुछ इसी से रिलेटेड, आप इसका 16 का आंसर बताएंगे। 116, क्रेडिट सेल्स बी रिकॉर्डेड, सेल्स डे बुक हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट सेल्स सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होती है तो उसका टैक्स भी वहीं रिकॉर्ड होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117, 17 का आंसर बताते हैं। डे बुक से रिलेटेड है, ये पहले हमने किया था। अच्छा चार्ज नहीं करेंगे तो रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, फिर कॉलम बनेगा, क्योंकि जब तक रजिस्टर्ड नहीं होंगे तब तक हम चार्ज नहीं कर सकते ना। जैसे अभी 100 रुपीज हमारा नेट अमाउंट है और बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, टैक्स चार्ज नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम होगा, किसका? अमाउंट लिखकर एक कॉलम बना के 100 लिख लेंगे। और अगर अब आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो अब आप टैक्स चार्ज करेंगे, तो आप लिखेंगे नेट अमाउंट 100, टैक्स सपोज 15% सपोज कर लें तो कितना हुआ 15, ग्रॉस हो जाएगा 1, इस तरह सेल्स रिकॉर्ड रजिस्टर्ड बिजनेस, ठीक है? और रजिस्टर्ड नहीं है तो सिर्फ आप एक कॉलम बनाएंगे अमाउंट का जो हमने बनाया था, और यहाँ पे आप सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे 100 से, टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। जब तक बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं होता है तब तक टैक्स चार्ज नहीं करते, ये डिफरेंस होता है रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड। अच्छा अब इसमें 17, ये पहले हम लोग कर चुके हैं डे बुक के क्वेश्चन ना, ये आंसर हो जाएगा कैश बुक एंड सेल्स डे बुक, इसमें भी आया था। अच्छा अब ये 18 जो है वो एंट्री से रिलेटेड है, ये बाद में सॉल्व करेंगे। 19 का आंसर बताएं। 19,
ओके तब कैश सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होती है, तो इसका टैक्स भी वही रिकॉर्ड होगा। जो चीज यहाँ रिकॉर्ड होगी उसका टैक्स भी वही रिकॉर्ड होगा। आंसर हो जाएगा कैश बुक, ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा इसमें 120 में एंट्री है, ये बाद में सॉल्व करेंगे। ये करते हैं 121। अब इसमें हमें क्या, व्हाट वाज द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन द इनवॉइस, सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है सर, कैलकुलेशन है। ओके, लिस्ट प्राइस है 1325, ट्रेड डिस्काउंट 20% और टैक्स कितना है 10%। अब सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है हमें, सेल्स टैक्स कितना चार्ज होगा। तो देखिए जब हम इनवॉइस बनाएंगे तो हम लिखेंगे इस तरह से, कैलकुलेशन होगी लिस्ट प्राइस, आप लिखेंगे लिस्ट प्राइस कितनी है 1325, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 20%, तो कितना बनेगा, सेल्स टैक्स कितना बन रहे हैं 20%, 20% 10 एंड 20% मुझे। तो हो गया 20% बताएं, 20%। अच्छा माइनस करके आ जाएगा 10 60। अच्छा इसके बाद इसमें सेल्स टैक्स ऐड होगा, कितना है 10%, इसका 10% होगा 106, और उसके बाद टोटल कर लेंगे। अच्छा 11 66, 11 66। ठीक, अच्छा पूछ क्या रहे वो, व्हाट वाज द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन द इनवॉइस, तो सेल्स टैक्स कितना चार्ज हुआ 106, आंसर होगा 106, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 121, ऑप्शन ए। तो इसके कंप्लीट कैलकुलेशन आ गया, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा उसके बाद सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। तो 121 हो गया ए। 122 सेम क्वेश्चन है, सेम रिक्वायरमेंट है, 12,000 फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट और 15% सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है आपको, बी आंसर। जी, बाकी बताएं बी 1600, 1620। ठीक, सेम कैलकुलेशन होगी। ठीक, को कॉपी कॉपी यहां से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, लिस्ट प्राइस कितनी है 12,000, रेट डिस्काउंट कितना है इसको, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1200 हो जाएगा, माइनस करें 10,800, और सेल्स टैक्स कितना है 15%, का 15% कितना आ रहा है 16, सेल्स टैक्स 1620, और टोटल कर लेंगे तो आपके पास इनवॉइस प्राइस आ जाएगी ना। टोटल की हमें वैसे जरूरत नहीं है, आंसर होगा 1620, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट है 123। ये तो
ये कर चुके हैं पहले भी, सी आंसर। हाँ ये पहले आ चुका है, कर चुके हैं सी आंसर। 124, 124 Not registered. अब इसमें मैगन सप्लायर नॉट रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। सिर्फ तो सिर्फ 5% माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 95। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्स चार्ज नहीं होगा क्योंकि सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो सिर्फ 5% ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, आंसर होगा 95, ऑप्शन सी। अच्छा 125 में एंट्री पूछ रहा है, ये बाद में सॉल्व करेंगे। 126 में भी एंट्री है, बाद में सॉल्व करेंगे। 27 टी अकाउंट से रिलेटेड है, ये भी बाद में सॉल्व होगा। तो 128 बाद में करेंगे, ये टैक्स का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल एक रिसीवेबल से रिलेटेड है। ये भी हम बाद में सॉल्व करेंगे, ये भी बाद में होगा। ये डिस्काउंट का तो पहले कर चुके हैं हम लोग, ये क्वेश्चन इसमें भी एंट्री पूछ रहा है, तो ये कर लेते हैं। 132, 132 रीड कर लें। अच्छा ये कल जो मैंने वो एग्जाम्पल एक पूरा सीक्वेंस समझाया था आपको, उस टाइप का है ना वो, रॉ मटेरियल सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, उस टाइप का ही। तो विक्टोरिया कौन है? रॉ मटेरियल सप्लायर। फ्रेजर कौन है? मैन्युफैक्चरर। ठीक है, उसके बाद फिर ये हेलेन तो कस्टमर है। अब फाइन क्या करना है, हाउ मच सेल्स टैक्स इज पेड टू द टैक्स अथॉरिटीज बाय ईच पार्टी टू द ट्रांजेक्शन। टैक्स अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट हो गई। अब कौन कितना टैक्स पे करेगा, तो पहले तो ये बताएं गवर्नमेंट को इनमें से कौन कौन पे करेगा, विक्टोरिया और फ्रेजर। गवर्नमेंट को पे करेंगे, हेलेन तो कस्टमर है ना, कस्टमर तो दुकानदार को पे करता है। गवर्नमेंट को कौन पे करता है? बिजनेसमैन। तो विक्टोरिया और हेलेन को, फ्रेजर को टैक्स पे करना होगा ना। तो अब ये बताएं इन दोनों कितना टैक्स पे करेंगे। जी हेलेन तो आएगा नहीं ना, तो आंसर होगा ए या सी में से। ठीक है, ए या सी में से आंसर आएगा, बी और डी में हेलेन की बात कर रहा है तो वो तो नहीं होंगे। कैलकुलेट करें तो गलत आ रहा है, कैलकुलेट करके दोबारा करें। अच्छा और सी भी नहीं हुआ तो अल्लाह ओके ओके। अच्छा तो विक्टोरिया ने रॉ मटेरियल सप्लाई किया फ्रेजर को, फ्रेजर ने गुड्स मैन्युफैक्चर करके सोल्ड कर दी हेलेन को। ए या सी? बी तो होगा ही नहीं ना, बी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है। ए आ रहा है, चलिए बात आपका सी आ रहा है। ए या सी? आंसर है सी, तो ये आंसर आएगा। ये कल ही आपको एक चीज समझाई थी मैंने, घर जाकर पढ़ा नहीं आप लोगों ने। ठीक देखिए जो हमने टैक्स पेबल कैलकुलेट किया था उसमें डिफरेंस निकालते हैं ना, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट होता है। आप लोग माइनस नहीं करते इसलिए ये आंसर आ रहा है, माइनस करेंगे तो सी आएगा। पहले कौन है? विक्टोरिया और फ्रेजर है ना, नंबर क्या है? 132। इधर लिखते हैं विक्टोरिया और फ्रेजर। अच्छा विक्टोरिया ने रॉ मटेरियल, इन विक्टोरिया इंतकाल के बाद विक्टोरिया कितने का मटेरियल सेल किया? 240 का। अच्छा इस पे टैक्स कितना चार्ज होगा? 17.5%। कितना बना? 42। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल तो 282 बन जाएगा ना, टोटल की जरूरत तो नहीं है हमें। अच्छा फ्रेजर ने क्या किया?
360 में सेल किया, इसका टैक्स ये टोटल जो भी आ जाएगा, ये टोटल का फिलहाल काम नहीं है। फॉर्मूला क्या था हमारा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। फ्रेजर की बात करते हैं पहले, फ्रेजर के लिए आउटपुट टैक्स कितना है 63, इनपुट कितना था 42, माइनस होगा ना, माइनस 42, तो पेबल कितना होगा 21। तो फ्रेजर को पे करना होगा 21। विक्टोरिया के लिए आउटपुट कितना है और इनपुट 0, इसके पीछे कोई नहीं है 0। टेबल कितना होगा 42। ये एग्जांपल याद है ना रॉ मटेरियल वाली, ये जो रॉ मटेरियल सप्लायर था इसने चार्ज किया था 6, तो 6 ही पे करेगा क्योंकि इसके पीछे कोई नहीं है, इसने इनपुट टैक्स पे नहीं किया था। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर भी है, तो विक्टोरिया को 42 पे करना होंगे, फ्रेजर को 21। ऑप्शन होगा सी, हम लोग माइनस नहीं कर रहे थे इसलिए ए आ रहा था, सी आ रहा था। ठीक है, तो सी आंसर 42 21। ये कॉपी कर लिया। नेक्स्ट, इसमें टी अकाउंट बनेगा, ये टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़ा, रिसीवेबल इसको छोड़ देते हैं, पीटी ये कर लेते हैं। 135 135। अच्छा, चार्ल्स सोल्ड गुड्स फॉर 1200, बॉट गुड्स फॉर 810। अच्छा, बोथ ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड सेल्स टैक्स एट 20% इन द प्राइसेस गिवन, इंक्लूड है, इट मींस ये दोनों आपके क्या है, ग्रॉस अमाउंट दिए हुए ना, 1200 और 810 क्या हो जाएंगे, ग्रॉस अमाउंट। पॉइंट क्या करना है, हाउ मच विल चार्ज पे टू द टैक्स अथॉरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज टू ट्रांजेक्शन। सेल परचेज दी हुई है तो वही फॉर्मूला लगेगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स वाला आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक, कैलकुलेट करें। जब भी हमने देखिए ये जो एग्जांपल्स कर रहे थे, यही क्वेश्चन है ना, सेल्स और परचेज गिवन है, आपको सेल्स टैक्स पेबल या रिफंडेबल बताना है, तो इसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह ये भी हमने एग्जांपल सॉल्व किया। तैयार है? ठीक है, चलिए, आपका आंसर आया सी। हाँ, बी या सी में से आंसर है, देखते हैं बी होगा या सी होगा। आपका सी आ रहा है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, सेल्स टैक्स। तो फॉर्मूला क्या था, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स ना, तो ठीक। अब आउटपुट टैक्स होता है वेट सेल्स टैक्स ऑन सेल्स, सेल्स कितनी है 12,000, 1200 मल्टीप्लाई करेंगे 20 से डिवाइड, 120 से करना है क्योंकि इंक्लूसिव है, 120 से डिवाइड करेंगे। और अब माइनस इनपुट टैक्स, तो परचेजेस कितनी है 810, 810 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, इंक्लूड है ना, ये लिखा हुआ था ना, देखिए आगे लिखा है ना, बोथ ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड सेल्स टैक्स एट 20% इन द प्राइसेस गिवन, तो इंक्लूडेड है, तो ये ग्रॉस हो गया ना, इंक्लूसिव, सही। अच्छा, तो ये कितना बन रहा है, 200 माइनस 135, तो 65 ठीक है, पॉजिटिव है तो पेबल हो जाएगा ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर? सेम वही क्वेश्चन है जो भी एग्जांपल्स किए हमने, कॉपी कर लें। 2 सेकंड रह गए, टाइम पूरा नहीं है, तो इसको लगा देना। हंड्रेड से डिवाइड किया होगा इसलिए बी सी आ रहा होगा, सी आएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो सी आएगा, 120 से करेंगे तो बी आएगा।
दोनों 120 से, क्योंकि दोनों में इंक्लूड है ना, इंक्लूडेड लिखा है ना, इंक्लूडेड इन द प्राइसेस गिवन, इंक्लूड है तो टोटल, इंक्लूड नहीं होता तो 100 से डिवाइड कर, इंक्लूडिंग है क्लियर। हाँ 136, 136 आउटपुट टैक्स के मान होता है, आउटपुट क्या होता है, वैट ऑन सेल्स होता है, बी आंसर हो जाएगा, इट इज अ सेल्स टैक्स ऑन सेल, ऑप्शन बी। 137 बाद में सॉल्व करेंगे, 138 ऑप्शन डी हो जाएगा, 138 ऑप्शन डी, चारा कंज्यूमर। ओके तो 139 कर लेते हैं, 139 सेल परचेज गिवन है, टैक्स का रेट दिया हुआ है, ठीक है, वही आपको कैलकुलेट करना है, पेबल या रिफंडेबल। अच्छा ये डेबिट साइड में आपको समझाता हूँ, पहले आप कैलकुलेट कर लें आंसर क्या होगा ना, सेल्स टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब इसमें सेल्स हैं 24,600, परचेजेस हैं 15,200 एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, ये दोनों नेट अमाउंट दिए हमें 100%। इसका मतलब आंसर पेबल आ रहा है, नहीं इससे थोड़ी फर्क पड़ता, नहीं नहीं उसका मतलब ये थोड़ी है, नहीं कहां से कहां ले गया, एक्सक्लूसिव मतलब नेट अमाउंट दिया, आंसर तो निकाले क्या हो गया। हाँ सही है, सही आ रहा है, 1645 आ रहा है, सही है, बता दो आंसर आएगा 1645, 1645 आना चाहिए। हाँ वो बता देता तो अभी मैं, रुक जाए पहले आप निकाल लें आंसर, निकाल लें 1645 आ रहा है, ठीक है 1645, ठीक है ये फॉर्मूला यूज होगा, 139, ठीक कैलकुलेशन कर लेते हैं, सेल्स कितनी है, सेल्स एंड 24,600 मल्टीप्लाई बाय 17.5 और डिवाइड करेंगे 100 से, और परचेजेस कितनी है 15,200 मल्टीप्लाई बाय 17 पॉइंट डिवाइडेड बाय 100, कितना आ रहे 4305 माइनस 26660, डिफरेंस कितना है 1645। अच्छा भैया 1645 पेबल है रिफंडेबल है, पेबल पेबल की नेचर क्या होती है, लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का बैलेंस किस साइड पर आएगा, क्रेडिट साइड पर आता, तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी, अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1645, पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। अच्छा अगर ये नेगेटिव में आता तो रिफंडेबल, और रिफंडेबल की नेचर क्या है, एसेट होती है, रिफंडेबल रिकवरेबल एसेट, तो फिर उसका बैलेंस आता है डेबिट साइड, तो रिफंडेबल होगा तो डेबिट बैलेंस, पेबल होगा तो क्रेडिट बैलेंस, तो फिलहाल ये सेल्स टैक्स पेबल है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस हो गई, आंसर बनेगा बी, ठीक है तो याद रखिए, पेबल है तो क्रेडिट बैलेंस, रिफंडेबल होगा तो डेबिट बैलेंस, करेक्ट आंसर होगा इसका बी, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1645, ठीक है कॉपी कर लें। ठीक है सॉल्व कर लें, ठीक है
140 सॉल्व करें। ठीक है ठीक है जी, सी आंसर आएगा इसका। अच्छा ठीक140। आउटपुट हो जाएगा, अब सेल्स कितनी है 34,800 इंटू 17.5 डिवाइडेड बाय 100 और परचेज है 30,785 डिवाइडेड बाय 117.5। आउटपुट टैक्स कितना आ रहे हैं? अच्छा 6,9,0। इनपुट टैक्स 4,85 और दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1,505। पेबल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 140 के बाद इसमें बाद में करेंगे सॉल्व। वन फोर्टी थ्री ठीक है, सी आंसर होगा। रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स, ठीक है, सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, सबके लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आंसर सी। अच्छा ये हम बाद में पढ़ेंगे, इररिकवरेबल डेट्स। अच्छा ये बताएं, ये आपका इसमें भी टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था ना, 145 असल, ठीक है, वो टेस्ट वाले क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न डे बुक, ठीक 145 सी। अच्छा 146, अच्छा ये बता दो आपको, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एज्ड रिसीवेबल एनालिसिस। अच्छा ये टॉपिक पहले आपके कोर्स में था, अब नहीं है, ठीक है, एज्ड एनालिसिस या एजिंग एनालिसिस, ये टॉपिक अब आपके कोर्स में नहीं है। रिकवरेबल डेट्स ये तो बाद में सॉल्व करेंगे, इसमें एंट्री बनानी है आपको और ये भी एंट्री से रिलेटेड है। इसमें सेल्स टैक्स का टी अकाउंट बनेगा, तो इसका आंसर बताएं 153। 153
153। अब इसमें ग्रॉस वैल्यू कैलकुलेट करनी, ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करना है। सारे पॉइंट में, सब पॉइंट में ही आएगा। ऑप्शन ग्रॉस बताना है, टैक्स नहीं बताना, टैक्स ऐड करके बताए। ग्रॉस अमाउंट क्या होता है? वो ग्रॉस वैल्यू आपकी इंक्लूसिव होती है ना। 153 सी आर है, बी एस सी सी आर है आपका, सी आर है देख लेते हैं। ओके, लिस्ट प्राइस कितनी है? लिस्ट प्राइस है 1480। अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे कितना? 5% कितना आ रहा है? ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 74। माइनस करते हैं 1406, और इसमें ऐड करेंगे सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स है 20%, कितना आ रहा है? सेल्स टैक्स 281.2 आ रहा है, 281.2। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, टोटल हो जाएगा 1687.2। तो ये आपका ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल्स टैक्स ऐड किया है, रेट डिस्काउंट माइनस करके सेल्स टैक्स ऐड कर रही है, तो ग्रॉस अमाउंट आ गया। ये नेट अमाउंट हो गया, सेल्स टैक्स ऐड किया तो आपके पास ग्रॉस अमाउंट। ये आपका नेट अमाउंट हो गया और ये ग्रॉस हो जाएगा। 100 ही होगा ना इसमें, तो 20% निकालना है तो इसमें 100 ही आएगा, इसमें नेट अमाउंट। माइनस क्यों करें? हाँ, तो इसमें टैक्स ऐड करेंगे तो ग्रॉस बनेगा ना। क्या लिखा था? नेट में सेल्स टैक्स ऐड करते हैं तो ग्रॉस, हाँ ग्रॉस से सेल्स टैक्स माइनस करते हैं तो नेट आता है, तो नेट हो जाता है। ओके, 153 बी आंसर। 154 सॉल्व करें, डी सही लग रहा है, देखते हैं। एक आंसर आया डी, बाकी बताएं ज्यादा है, सही ठीक है, डी आएगा। 153 आंसर ठीक है। ओके, फिफ्टी फोर का डी आ रहा है, 54 डी आंसर ठीक है। नेक्स्ट, ओके, इसमें एंट्री पूछ रहा है, बाद में सॉल्व करेंगे। 156
कैश सेल्स क्या लिखा है? कैश सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होती है? कैश बुक में ही, तो उसका टैक्स भी कैश बुक में ही रिकॉर्ड होगा। अच्छा, अब इसमें इसने दो दिया, रिसिप्ट या पेमेंट। हाँ, क्योंकि कैश सेल करेंगे तो कैश रिसीव होता है, तो रिसिप्ट बुक हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर। सी आंसर, कैश रिसिप्ट बुक। ये बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा ये भी इसी से रिलेटेड है, परचेज एंड परचेज रिटर्न। अच्छा ये करते हैं, 158, 158। हाँ, सब पे अलग है, टोटल करके निकाल लें, सबका टोटल करके निकाल लें। बी ए आपका ए आ रहा है, आपका बी आ रहा है, देखते हैं। चलिए, ए या बी में से आंसर आएगा, बाकी बताएं। वेट वेट वेट, ए आपका ही आ रहा है, आपका ही आ रहा है, ए सेल्स ठीक। अब इसमें क्या सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है ना? ठीक है, क्या थे 158, तो 120 प्लस 60 प्लस 190, टोटल कितना बन रहा है? टोटल इसका 370। अब इसका सेल्स टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 370 इंटू 17.5 और डिवाइडेड बाय, अच्छा अब ये ग्रॉस है ना, 117.5 हो जाएगा, ठीक कितना रहे 5.11। ऑप्शन ए ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक, अच्छा जी, अच्छा 159 ये पहले किया था हमने, ए बुक का क्वेश्चन है। 159 ठीक है, ठीक एक ही बात टोटल करके अलग अलग करें क्या है? आंसर 100 से डिवाइड थोड़ी करना, 117 है। ए आंसर होगा। जनरल लेजर परचेज अकाउंट डेबिट, सप्लायर अकाउंट एंड पेबल लेजर क्रेडिट, ए। ठीक है, 164, 164
एक आंसर आया ए, ये आ रहे चले। अच्छा जी, ए आ रहा है आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। आप सेल्स कितनी है? 45,237.5। तो जी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और ये क्या इंक्लूडिंग है, तो डिवाइड बाय 110। परचेजेस हैं 31,500, ठीक है, और डिवाइड इसको करेंगे। डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, क्योंकि नेट आउटपुट टैक्स कितना आ रहा है? 2.5, और इनपुट टैक्स? जीरो। हाँ, 3,150। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9.2.5। अच्छा, पॉजिटिव है मीन्स पेबल, और पेबल का बैलेंस होगा क्रेडिट। ऑप्शन ए, क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट, चलिए इसमें एंट्री है, बाद में सॉल्व करेंगे। चलिए बता दें, 166 एक जनरल क्वेश्चन है, सिंपल। कैश पेमेंट, पेमेंट ऑफ कैश टू एन अकाउंट पेबल आया हुआ है। बी बी आंसर 66। सिक्सटी सेवन, 67। जी, 67, 167। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होती है, तो एंट्री क्या होती है? अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। ऑप्शन सी। अच्छा, ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई कुछ कैलकुलेशन, हो गई काफी। अब हम इसकी एंट्रीज और टी अकाउंट्स बनाते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। अब इसके एंट्रीज पे आ जाएं। जी, आज ही बनाएंगे। ओके, अच्छा, सेल परचेज की एंट्री रहते तो आपको पता ही है ना, सेल परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। ओके, अब हम बनाएंगे सेल्स एक्स के साथ। इससे पहले हमने एंट्रीज बनाई थी विदाउट सेल्स एक्स।
हम बनाएंगे वेब सेल्स। ओके ये अपनी गुड सेल थी। नेट अमाउंट 800 है, टैक्स चार्ज किया 120, ग्रॉस अमाउंट 920 हो गया। ठीक, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री। तो अगर एक तो बस सेल्स टैक्स को इग्नोर करें तो क्या एंट्री होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट हो जाएंगे ना, तब रिसीवेबल तो डेबिट ही होंगे, सेल्स क्रेडिट ही होगी। सेल्स टैक्स किस साइड पर आएगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, क्रेडिट जी। अच्छा क्रेडिट क्यों? क्या हाँ क्योंकि देखिए सेल्स टैक्स ऑन सेल्स आउटपुट टैक्स होता है, आउटपुट टैक्स आपका पेबल होता है ना, तो पेबल की नेचर क्या होगी? लायबिलिटी। हमने कस्टमर को गुड सेल की 120 टैक्स चार्ज किया, तभी हमारे लिए लायबिलिटी है ना कि 120 हमें गवर्नमेंट को पे करना है, तो 120 का आएगा क्रेडिट साइड। अच्छा रिसीवेबल्स को डेबिट करेंगे, अब रिसीवेबल डेबिट कितने से होंगे? रिसीवेबल डेबिट कितने से करेंगे, 800 या 920? 920 ना, क्योंकि कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं तो कस्टमर से 920 रिसीव करेंगे ना, तो कैश या रिसीवेबल डेबिट होगा 920 से। तब इसमें सेल्स कितनी है, हमारी इनकम कितनी है? 920 में हमारी इनकम कितनी है? 800। सेल्स हम क्रेडिट करेंगे 800 से, बाकी 120 सेल्स टैक्स वो हमारी लायबिलिटी है, वो क्रेडिट हो जाएगा सेल्स टैक्स अकाउंट। ठीक है, तो कैश या रिसीवेबल डेबिट होंगे ग्रॉस से, इसमें हमारी इनकम 800 तो सेल्स क्रेडिट होंगी 800 से, बाकी 120 लायबिलिटी है, सेल्स टैक्स क्रेडिट करेंगे 120। कॉपी कर लें। ओके ठीक है। सेल्स के टाइम पर टैक्स चार्ज कितना कहता है? 120। इस वक्त हमारी लायबिलिटी कितनी है? 120। गवर्नमेंट को हमें 120 देने। अब सेल्स रिटर्न के टाइम पर कस्टमर को रिटर्न कितने करेंगे? 230। 230 में 30 टैक्स भी चला गया, 120 हमने चार्ज किया था, रिटर्न के टाइम पर 30 रिटर्न कर दिया, तो गवर्नमेंट को कितना देना होगा? 90। 90 हो जाएगा ना, 120 माइनस 30 90, तब हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई ना, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, तो उसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स टैक्स डेबिट, ऑन रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है सेल्स के टाइम पर हमने सेल्स टैक्स चार्ज कितना किया था, तो हमारी लायबिलिटी कितनी थी? 120। अब कस्टमर ने सेल्स रिटर्न की तो उसको हम कितने पैसे वापस करेंगे, कितने देंगे? 30। टोटल 230 देंगे, 230 में 30 टैक्स भी चला गया, 30 हमने कस्टमर को चार्ज किया था 120, जिसमें से 30 हमने रिटर्न के टाइम पे कस्टमर को वापस कर दिया, तब तो टैक्स कितना रह गया? गवर्नमेंट को कितना देना होगा? 90 देंगे ना, वो चीज खरीद के लाते हैं टैक्स के साथ पे करते हैं, अगर कल रिटर्न करने जाएंगे तो पैसे पूरे मिलेंगे, टैक्स काट के देगा, टैक्स के साथ देगा ना वो, तो हमने टैक्स के साथ पैसे वापस किए ना 30, तो चार्ज कितना किया था? 120, 30 हमने उसको रिटर्न के टाइम पे वापस कर दिए, तो गवर्नमेंट को कितना पे करना होगा टैक्स? 90, तब हमारी लाइबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट डिक्रीज हो गई, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है इसलिए सेल्स टैक्स डेबिट हो गई।
क्या ये पिछली एंट्री से है ना, तेरा मन पे चार्ज कितना किया था, गवर्नमेंट को कितना देना था, अब कस्टमर को हमने रिटर्न के टाइम पर हड्डी वापस कर दिया, गवर्नमेंट को कितना देना होगा, लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट हो जाती है, डेबिट क्या क्यों लगाए 200 में से, सेल कितने की थी आपने, चार्ज कितना किया था, टैक्स कितना देना था गवर्नमेंट को, 120 गवर्नमेंट को पे करना था, अब रिटर्न के टाइम पे हमने कस्टमर को 30 वापस कर दिए, तो गवर्नमेंट को कितना देंगे, हमें देना होंगे ना, तो लाइबिलिटी क्या हो रही है, काम हो रही है, हमने उसको पैसे वापस, उसने गुड्स वापस किए, हमने उसको पैसे वापस किए टैक्स के साथ वापस किए, अब गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना होगा, नहीं तो लाइबिलिटी क्या हो गई, काम हो रही है तो डेबिट में, सेल्स के टाइम पर लायबिलिटी इंक्रीज होगी, सेल्स रिटर्न के टाइम पर लायबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, कॉपी कर लें। ये अब हम परचेज की एंट्री बनाएंगे, हमने गुड्स परचेज की 400 की, टैक्स चार्ज हुआ 60 का, टोटल बन गया आपके 460। अच्छा देखिए, आप जो परचेज की एंट्री है वो डिपेंड करती है कि आप जो है सेल्स का टैक्स होना है, सेल्स के टाइम देंगे, सेल्स के टाइम पर टैक्स चार्ज कब करेंगे, जब आप रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा अब हम गुड्स बाय कर रहे हैं, अच्छा एज अ बायर हम चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, अगर हमारा सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो तो टैक्स चार्ज करेगा, हमें तो टैक्स देना पड़ेगा। तो अब एज अ बायर दो तरह से एंट्रीज हो सकती हैं, कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो एंट्री अलग होगी, और रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी एंट्री अलग बनेगी। तो पहले हम एंट्रीज बना रहे हैं एज अ रजिस्टर्ड, इस वक्त हम बायर हैं और सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है, हम अपने गुड्स बाय किए, टैक्स पे किया कितना 60 का, तो ये रिकवरेबल होगा एसेट, तो ये डेबिट पे आ जाएगा ना, तो अब एंट्री क्या होगी, परचेजेस डेबिट होती है, डेबिट होंगी, सेल्स टैक्स भी डेबिट होगा, और अकाउंट पेबल या कैश क्रेडिट, तो परचेज के टाइम पर हम टैक्स पे करेंगे वो हमारे लिए रिकवरेबल है, और रिकवरेबल की नेचर एसेट, इसलिए ये डेबिट पे आएगा। अच्छा ये हमने एंट्री बना रहे हैं एज अ रजिस्टर्ड बायर, इसके बाद फिर हम एंट्रीज बनाएंगे एज अ अनरजिस्टर्ड बायर, परचेज रिटर्न, अब एंट्री क्या होगी, अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, और सेल्स टैक्स भी क्रेडिट हो जाए, क्योंकि जब हम रिटर्न करेंगे तो हमें टैक्स के साथ पैसे मिल जाएंगे, तो रिकवरेबल हमारे डिक्रीज होता है, रिकवरेबल डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, हो गए सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज और परचेज रिटर्न, ठीक। अच्छा अब हमने सेल परचेज रिटर्न करते रहे, मंथ एंड हुआ, मंथ एंड में हमने कैलकुलेशन की, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आंसर आया सेल्स टैक्स पेबल, अब मंथ एंड में हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, तो अब पेमेंट की एंट्री क्या होगी, अब हम सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या बनाएंगे, सेल्स टैक्स डेबिट हो जाएगा पेबल, और कैश या बैंक क्रेडिट, ये लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, सेल्स टैक्स डेबिट और कैश डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट, वैल्यूज नहीं लिखी फिलहाल, क्रॉस डाल दें, जब क्वेश्चंस करेंगे तो वैल्यूज लिखेंगे, ये तो एंट्रीज हैं तो इसलिए सिर्फ वैल्यूज मैंने नहीं लिखी, जब क्वेश्चंस करेंगे तो फिर एंट्रीज भी लिखेंगे। ओके अच्छा ये तो हमने पेमेंट रिकॉर्ड कर ली, आप सिचुएशन क्या है कि आपने मंथ एंड हुआ टैक्स कैलकुलेट किया, आंसर आया रिकवरेबल
रिकवरेबल या रिफंडेबल, ठीक है। अब गवर्नमेंट हमें रिफंड कर रही है, अगर हमें सेल्स टैक्स रिफंड हो रहा है अब क्या एंट्री बनेगी? कैश या बैंक तो डेबिट होगा, और सेल्स टैक्स क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। रिफंडेबल रिकवरेबल की नेचर क्या होती है? एसेट। अब जब रिफंड होंगे तो कैश डेबिट होगा और सेल्स टैक्स रिफंडेबल क्रेडिट। रिफंडेबल की नेचर क्या है? एसेट होता है। अब गवर्नमेंट हमें रिफंड कर रही है, रिफंड रिसीव हो रहा है, तो क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट और रिसीवेबल या रिफंडेबल क्रेडिट। अच्छा, इसके बाद परचेज की एंट्री हम दोबारा बनाएंगे। अब परचेज दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, अब रिकॉर्ड करेंगे एज अ अनरजिस्टर्ड बायर ना। अब क्या बायर नॉट रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स? अब वही हमने गुड्स, अब जो वैल्यू है वो सेम रखी, 400 की गुड्स बाय की, 60 का टैक्स चार्ज हुआ, 460 हमने पे किए। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एज अ अनरजिस्टर्ड बायर, तो अब हम अनरजिस्टर्ड हैं, तो जो भी गुड्स हम परचेज करेंगे अब जो टैक्स चार्ज होगा वो हमें रिफंड नहीं होगा, वो रिकवर नहीं होगा, तो ये हमारे लिए बन जाएगा एक्सपेंस, ये हमारी बन जाएगी कॉस्ट। अभी हमें रिफंड नहीं होगा, अभी हमारी कॉस्ट होगी, तो अब हम परचेज जो है वो रिकॉर्ड करेंगे 460 से। अब परचेज रिकॉर्ड होगी 460 से, डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा 460। तो बायर अगर रजिस्टर्ड नहीं है और आप बाय करते हुए टैक्स पे कर रहे हैं तो वो आपके लिए रिकवरेबल नहीं है, बल्कि वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। अब आप परचेज रिकॉर्ड करेंगे 460 से, अब 460 से रिकॉर्ड होंगे, तो ये रजिस्टर्ड ना होने के एक नुकसान है, डिसएडवांटेज है कि जो भी टैक्स आप पे करते हैं वो आपको खुद बेयर करना पड़ता है, इससे आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये अकाउंट में कितना टाइम लगता है? चलो अच्छा, ये